अजीस्तुल बाव तालेवार अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हकीकत हुस्न के शायर अल्लामा इक़बाल, जो उर्दू शायरी की फ़ख पर एक सितारे की तरह नमदार होते हैं, उनका हमने तारुफ़ देखा था, जिससे ये बात हमें समझ में आ गई थी कि अल्लामा इक़बाल नहायत बुलंद पाया शायर गुजरे हैं। उन्होंने शायरी से न सिर्फ पैगाम देने का काम किया है, बल्कि कुरान की जो तालीमात हैं उन तालीमात को उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। शख्सी तौर पर अगर देखते हैं तो अल्लामा इक़बाल फ़लसफ़ी, मुफक्किर और मुदब्बिर भी नज़र आते हैं। इन्होंने मिल्लत इस्लामिया को बेदार करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की है। ख़ास तौर पे इनका फ़लसफ़ा ख़ुदी जो है, जिसमें उन्होंने ख़ुद शनासी और ख़ुद आगाही का जो पैगाम अपनी शायरी के ज़रिए दिया है, बहुत ही कमाल का पैगाम उन्होंने ये दिया है। और उनका जो नज़रिया है इस्तेकाम और तकमील से, इंसान खुदी के इस्तेकाम और तकमील से इंसान मर्द कामिल बन जाता है, और मर्द कामिल बनना ही इंसानियत की मेराज है। इस तरह से इनकी शायरी में, इनकी नज़मों में हमको बहुत सारी खूबियाँ देखने को मिलती हैं। आज हम इनकी जो नज़्म हकीकत हुस्न, जिसमें एक ऐसा ही पैगाम इन्होंने ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर दिया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए तुलबा और तालिबात, देखते हैं कि नज़्म क्या है। नज़्म कुछ इस तरह से है, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया, मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया, हुई है रंग तगैयुर से जब नमूद इसकी, वही हसी है हकीकत जवाल है जिसकी, कहीं खरीब था ये गुफ्तगु खमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी जमी के महरम को, भर आए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। अल्लामा इक़बाल की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प नज़्म, जिसमें उन्होंने जो इजहारात या जो ख़यालात पेश किए हैं वो बड़े ही मानी खैज मालूम होते हैं। जैसा कि उन्वान से वाज़ेह होता है कि
कि हकीकत हुस्न यानी कि हुस्न की हकीकत क्या है। अल्लामा इकबाल ने हुस्न की हकीकत पर रोशनी यहाँ डालने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि जिसके पास हुस्न होता है वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं, उस पर नाज करते हैं, नखरे करते हैं और फ़ख्र घमंड तकब्बुर वगैरह करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात आए दिन हमारे सामने देखने में आते हैं या पेश आते हैं कि कुदरत ने जिसे हुस्न दिया है, ज़्यादातर लोग ऐसे देखने में आते हैं कि वो अपने हुस्न पर फ़ख्र और घमंड करने लग जाते हैं। जबकि हुस्न की हकीकत यह है कि वो एक रोज़ जवाल पजीर होने वाला है, उसे भी जवाल आने वाला है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो इस पे फ़ख्र तकब्बुर घमंड करने वाली कोई बात नहीं है। जबकि हमको ये समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में जो आए हुए हैं उस दुनिया में सिर्फ आजमाइश के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे ये आजमाइश देकर हमको जो हमारी बाद वाली ज़िंदगी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में सुकून और चैन से रहने के लिए जो अमाल करने का हुक्म दिया गया है उस पर अमल पैरा होना चाहिए। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। नज़्म का पहला शेर है, एक रोज़ हुस्न खुदा से एक सवाल पूछता है, और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। हुस्न कह रहा है खुदा से कि तूने मुझे दुनिया में लाजवाल क्यों नहीं किया, यानी कि मुझे तूने जवाल क्यों रखा है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुदरत उन्हें हुस्न देती है, लेकिन हुस्न कब तक रहेगा, कितने वक्फे तक रहेगा? ये जो हुस्न है एक मुद्दत के लिए रहेगा, और वो मुद्दत गुजर जाने के बाद या उम्र ढल जाने के बाद उसको जवाल होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हुस्न ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फना भी हो जाता है। तो खुदा से हुस्न यही सवाल पूछता है कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया, यानी कि मैं हमेशा हुस्न ही बन कर रहूँ, मुझे तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया है, या मेरे हुस्न को कभी भी जवाल नहीं आए, तूने मुझे ऐसी ताकत क्यों नहीं दी है। तो खुदा जो जवाब देता है बहुत खूबसूरत ढंग से अल्लामा इकबाल ने जवाब को पेश किया है, मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज दम का फसाना है दुनिया। खुदा हुस्न को जवाब जब देता है तो क्या देता है कि ये जो दुनिया है एक तस्वीर खाना है। तस्वीर खाने से मुराद जिसको हम मोटे लफ्ज़ों में एल्बम कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो दुनिया है ऐसी दुनिया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं, और इन तस्वीरों में कोई गम की तस्वीर है, कोई खुशी की तस्वीर है, कोई मुस्कुराती हुई तस्वीर है, जो इंसानी जज्बात हैं, जो कैफियात हैं, जो एहसासात हैं, उनकी अक्कासी करने वाली तमाम किस्म की तस्वीरें इस तस्वीर खाने में लगी हुई हैं। और शायर ने क्या कहा है, दुनिया जो है
شبِ درازِ عدم کے فسانے کی مانند ہے، یعنی کہ یہ دنیا ایک ایسے فسانے کی مانند ہے جو ایک لمبی شب جس میں مختلف قسم کی کیفیات رونما ہوتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے شب، تو ایسی ایک شب کی طرح دنیا کو بنایا گیا ہے، اور اس کی جو مختلف تصاویر ہیں جو ایک البم میں لگی ہوئی ہیں یا تصویر خانے میں لگی ہوئی ہیں، وہی اس دنیا کی حقیقت ہے، وہی اس دنیا کا فسانہ ہے یا وہی اس دنیا کی کہانی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب تو نے یہ سوال پوچھا ہے مجھ سے کہ تو مجھے کیوں زوال ملنے والا ہے یا تو کیوں زوال پذیر ہے، تو اس کے جواب میں خدا نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے جواب دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں مختلف قسم کی کیفیات آئیں گی، اور پھر یہ جو کہانی ہے دنیا کی، یہی کہانی ہے، اور مختلف احساسات، جذبات، ان کی عکاسی کرنے والی تصویریں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پھر ایک دن دنیا یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ علامہ اقبال نے شب دراز عدم کے فسانے کی مانند اس دنیا کو کہا ہے، ان کی ایک ایسا فسانہ جو شب دراز میں سنایا جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تبدیلی، تغیر یا چینج ہی سے دنیا بنی ہے، یعنی کہ دنیا میں اگر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، رونما ہو نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم دنیا نہیں کہہ سکتے۔ ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی تغیر یا تبدیلی واقع ہوتی ہی رہتی ہے دنیا میں۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ تغیر کے رنگ سے جب دنیا بنائی گئی ہے، تو اس لحاظ سے دنیا میں مختلف قسم کے رنگ یا مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہونا یا رونما ہونا لازم شرط ہے۔ پھر وہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ حسین شاعر کے مطابق کون ہے؟ یعنی کہ جو جواب اس کو مل رہا ہے خدا کی طرف سے، تو شاعر جس ڈھنگ سے خدا کے بازو سے یا خدا کی طرف سے جو جواب دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہی حقیقت، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ حقیقت میں حسین کون ہے؟ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، یعنی کہ جس چیز کو زوال ہونے والا ہے حقیقی طور پر، وہی چیز ہنسی ہے، خوبصورت ہے، جو سوال حسن نے خدا سے کیا تھا، تو خدا اس کو جواب دے رہا ہے کہ جو چیز لازوال ہے وہ ہنسی ہو نہیں سکتی، جو چیز ہنسی ہے وہ لازوال نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ہر چیز کو زوال دیکھنا ہے، ہر چیز کو
फना होना है, और जो चीज फना नहीं हो सकती वो हसी हो नहीं सकती। ऐसा एक ख्याल, ऐसा एक नजरिया शायर ने इस शेर में पेश करने की कोशिश की है। तो नज़्म की शुरुआत में हुस्न खुदा से मुखातिब होता है और उससे सवाल करता है कि तूने मुझे दुनिया में लाजवाल बनाकर क्यों नहीं भेजा, तूने मुझे जवाल क्यों रखा है, या मेरा इख्तिताम या फिर मुझे फना क्यों होना पड़ता है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे तूने हुस्न क्यों नहीं दिया है। तो उसके जवाब में खुदा कहता है कि ये दुनिया एक तस्वीर खाने की तरह है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर लगी हुई है, और फिर दुनिया को शबे दराज आदम के फसाने की मानिंद शायर करार देता है। खुदा कहता है कि ये जो दुनिया है, ये जो फसान शबे दराज आदम के फसाने की मानिंद है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैफियात होती हैं, और वो शबे दराज जैसे लंबी शब है वो शबे दराज आदम का फसाना दिखाई देती है। और अगले ही शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया जो बनाई गई है वो तकय्युर के रंग से ही बनाई गई है, और जब दुनिया की नमूद की गई तो उसमें रंग तगैर को भी शामिल किया गया है, यानी कि तब्दीली को भी शामिल किया गया है, चेंज को भी शामिल किया गया है। और दुनिया की हकीकत अगर हम देखना चाहेंगे तो हर चीज़ को जवाब आना है। आज कोई उरूज पर है तो कल कोई जवाल पर रहेगा, आज हर एक को जवाल और उरूज दोनों ही सूरतों से गुजरना होगा। और हुस्न की हकीकत यही है कि जो चीज़ जवाल पजीर है वही हसी हो सकती है, ऐसा एक ख्याल शायर ने यहाँ पे पेश किया है।